सुबह के हो रहे हैं 6:30, गरम पानी पी रही हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज है थर्सडे 24th ऑक्टूबर, आज अनुज का बर्थडे है, बट मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आज स्पेशल कुछ बना पाऊँगी लंच के लिए। मैं उसके बर्थडे पे हमेशा ट्राई करती हूँ कि उसका फेवरेट खाना बनाऊँ, क्योंकि उसको घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आज केवुष के प्री स्कूल में फील्ड ट्रिप है, और फील्ड ट्रिप में पेरेंट्स को भी साथ में जाना होता है, तो मैं सुबह जो उसके साथ जाऊँगी, वापस आऊँगी अराउंड 12 o'clock, और अनुज भी आ जाते हैं 12:15 तक लंच के लिए, तो कुछ भी स्पेशल नहीं बना पाऊंगी। लेट्स सी जल्दी जल्दी मैं क्या बनाती हूँ। बट हाँ, बर्थडे की सुबह की शुरुआत तो अपने फेवरेट खाने से ही होनी चाहिए, तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उसका फेवरेट पराठा, आलू का पराठा। पराठा कोई भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। और कल मैंने दिवाली स्नैक्स वीडियो बनाया था, तो जो समोसे की फिलिंग है वो थोड़ी सी रखी हुई थी, और बॉइल्ड आलू भी रखा हुआ था, तो बस उसको मिक्स करके, मैश करके और थोड़े से मसाले मिला के मैं पराठे की फिलिंग बना के फटाफट से पराठे बना रही हूँ। और लंच के लिए वेजिटेबल राइस बना रही हूँ। राइस मैंने कल रात को ही बॉईल करके रख दिया था, और यहाँ पे बीन्स, गोभी, आलू सब कुछ छोटे छोटे कट कर ले रही हूँ, ताकि फ्राई जल्दी से हो जाए, कुक जल्दी से हो जाए, और बस राइस मिला के सिंपल सा वेजिटेबल पुलाव, और फिर जब आऊँगी तो रायता बना दूँगी। Salt, pepper, Italian herbs, इतना हेल्पफुल बच्चा देखा है आप लोगों ने। ओ मैचिंग मैचिंग येलो येलो येलो। कहाँ जाओगे आज फील्ड ट्रिप पे? ईडी। ईडी के साथ कहाँ जाओगे? फील्ड ट्रिप। कौन सा फील्ड ट्रिप है? अच्छे से खाओ, कट करके। यस, हैप्पी बर्थडे।
आपने बोला हैप्पी बर्थडे पापा को अच्छे से. थैंक यू. और ये स्वेटर मैंने गिफ्ट किया है. आपके पास नहीं है स्वेटर. आपका बर्थडे नहीं है ना, पापा का बर्थडे है. मम्मी ये क्या सब है? मैचिंग मशीन. ओह यस, मैचिंग मशीन. ओके, यू आर नॉट क्लोज. दिस इज माय मैचिंग मशीन. ओके ओके. नो, यू पुट डिफरेंट कलर. अच्छा लग रहा है स्वेटर. देखिए लो जी, खाओ पराठे. और ये केयूष के फील्ड ट्रिप में पॉटलक होने वाला है, तो सबको कुछ ना कुछ लेके जाना है. तो मैं लेके जा रही हूँ क्रैकर्स एंड चिप्स. लाइक उन्होंने ही बता दिया था, लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दिए थे और सबको कुछ ना कुछ चूज़ करना था, तो मैंने ये चूज़ किया. ये कॉस्को से लेके आए हैं हम. ये चिप्स के पैकेट, छोटे छोटे ऐसे ही सारे मिक्सचर चिप्स के पैकेट होते हैं. और कॉस्को से देखो कितना प्रिटी हमें ये हैंड सोप का बॉटल मिला. लाइक चार हैंड सोप्स हैं इसमें, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. एक है लेमन, कोकोनट, ऑलिव और ऑरेंज ब्लॉसम. तो काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं, बिल्कुल एथनिक ट्रेडिशनल, इंडियन ट्रेडिशनल टाइप लग रहे हैं. और सबसे अच्छी चीज़ है कि इन बॉटल्स को ना हम रीयूज भी कर सकते हैं. लाइक सोप जब फिनिश हो जाए तो अलग से सोप डाल के इसको रीयूज कर सकते. इतने प्रिटी लगे मुझे ये बॉटल्स. अनुज को भी बहुत अच्छे लगे, देखते ही अनुज ने बोला ले लो ले लो. ऐसी चीज़ें ना गिफ्ट में देने के लिए भी बहुत अच्छी रहती हैं. लाइक मैं हमेशा जब भी इंडिया जाती हूँ तो बाथ एंड बॉडी वर्क से हैंड सोप लेके जाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू होती है. तो इंडिया जाते टाइम अगर ऐसा कुछ मिले तो बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है. वैसे तो फेस्टिवल और करवा चौथ के कारण बहुत ज़्यादा मीठा बन रहा है और खीर तो इतनी बारी बन चुका है, बट बर्थडेज पे हम खीर ज़रूर बनाते हैं. लाइक मैंने पहले भी बताया कि इवन मम्मी हम सबके बर्थडे पे, हम चारों के बर्थडे पे घर पे खीर बनाते हैं, संभल के खाते हैं. तो ये एक आप कह सकते हो रिचुअल बन गया है हमारी फैमिली का, कि बर्थडे और खीर दोनों साथ साथ होते ही होते. अगर खीर नहीं बना तो बर्थडे इनकम्प्लीट लगता है. तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रही हूँ दूध बॉयल करके रख देती हूँ, ताकि आने के बाद जब खीर बनानी होगी, चावल की खीर बनाऊंगी, तो जल्दी बन जाएगा. तो समय का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रेडी हो गए हम स्कूल के लिए और केयूष के फील्ड ट्रिप के लिए. और बाहर आज काफ़ी ठंड लग रही है. विंडी नहीं है, लग तो रहा है कि काफ़ी विंडी है. सो स्वेटर और जैकेट दोनों चाहिए. तो चलिए चलते हैं. अगर हो पाएगा तो मैं थोड़ा बहुत आपको पम्पकिन पैच का दिखाऊंगी, कि उस जहाँ पे फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं. The corn maze. ये है बिल्कुल इंडिया वाला पम्पकिन. पम्पकिन पैच काफी अच्छा रहा. केयूष के बहाने मुझे भी ये सब कुछ देखने को मिल जाता है. मेरा फर्स्ट टाइम था, केयूष का भी डेफिनेटली फर्स्ट टाइम था. मुझे येशा के लिए बुरा लग रहा था कि हम संडे को जाने वाले थे बट बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और ओपन फील्ड में होता है तो नो पॉइंट. तो येशा का मिस हो गया, उसने अभी तक नहीं देखा है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एक तरफ different types of pumpkin, different colors के, different sizes के, और वहाँ से आप pumpkin pick भी कर सकते हो, खरीदना होता है. but वही मुझे लगता है कि कितना trust है ना यहाँ पे लोगों को. open field है, लोग उठा रहे हैं और billing counter कहीं है, कोई नहीं देख रहा है कि आप pick करके bill करा रहे हो नहीं करा रहे हो. but it's all about trust. तो अच्छा लगता है ये चीज़ देख के. हमने भी pumpkin लिया, ये देखो ये वाला. एक्चुअली यहाँ पे हैलोवीन पे सब कार्व करते हैं पम्पकिन को. काफ़ी मज़ेदार आर्ट होता है बच्चों के साथ करने के लिए. मैं हर बार ही सोचती हूँ बट कभी भी किया नहीं, तो देखती हूँ मैं भी इस टाइम करूँगी. और इसीलिए मैंने ये वाला लिया.
मुझे तो बहुत मजा आया, फायर पिट भी था और वहां पे सब मार्शमेलो और हॉट डॉग्स और वो सब कुछ ग्रिल कर रहे थे। और याद आ गया, छोटे होते हम लोग घर पे, लाइक विंटर्स बहुत ज्यादा होते हैं बिहार में भी, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है घर के अंदर आग एंड ऑल जलाने में, तो हम लकड़ियां लेके आते थे और जॉइंट फैमिली थी हमारी तो सब बैठ के हाथ सेकते थे, इतना मजा आता था विंटर्स में। तो वो टाइम याद आ गया, मैंने आके खीर बना के प्रसाद चढ़ा दिया था नहा के। और अब हम जा रहे हैं डैडी के लिए बर्थडे केक बनाने, कैरेट केक, एगलेस केक, और ये है मेरे दो दो हेल्पर, पता नहीं क्या ही बनेगा केक। यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से निकाल के रख दिए हैं, मैदा, वनीला एक्सट्रैक्ट, बेकिंग पाउडर, दही, तेल और बेकिंग सोडा, और यहाँ पे कैरेट को मैंने कर लिया है ग्रेट, सिनेमन पाउडर और सॉल्ट। पहले डालेंगे 2 कप्स ऑफ मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, सो 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। ये लो आप छोटा वाला डालो और आप बिग वाला डालो। डाल दिया बेकिंग सोडा, अब हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर। So this is the dry ingredients and it's all done. Do I put in this? नहीं, वो जाएगा wet ingredients में. 1/2 cup of sugar. That's a lot of sugar. 1/2 cup of brown sugar. And how do I do it? 1/2 cup of vegetable oil. Vegetable oil. 1/2 cup of yogurt. Plain yogurt. Yeah, plain. Good job. Hey, don't eat this sugar. ये होता है गाइस बच्चों के साथ केक बनाने पे। नहीं रुको, चलो पहले अभी वॉश करो इसको, और भी डालना है। Do I do it? So 1/2 cup of milk. Careful. Mommy, I stir it when we're done. Everyone can do it. Good job. I'm pouring. 1 teaspoon of vanilla extract. और हमारे पास है pure vanilla extract. तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है. थोड़ा सा गिर गया. Uh-oh. It's going to help to me. I want to do it. Okay, this is your turn, Didi. Can I mix it now, too? Sure. Here you go. Thanks. ये हो गया हमारा वेट इंग्रेडिएंट, ये हो गया ड्राई इंग्रेडिएंट। अब धीरे धीरे ड्राई इंग्रेडिएंट को डालेंगे वेट इंग्रेडिएंट में और इसको बहुत ही जेंटली मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है, जस्ट ऐसे फोल्ड करना है। और इसमें डाला है 1.5 कप ऑफ कैरेट। वैसे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैं मिक्सर से कर रही हूँ बस कैरेट को लास्ट में मिक्स करने के लिए। अवन को ऑलरेडी मैंने 355 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट कर लिया है 25 मिनट्स के लिए, और ये 25 मिनट्स हो गए हैं, देख के तो लगता है कि हो चुका है। टेस्टिंग कर लेते हैं टूथपिक डाल के, ऑल क्लीन, केक बिल्कुल बन चुका है, अब इसको ठंडा होने रख देंगे। केक बिल्कुल रेडी है, अनुज आ गए थे ऑफिस से, यशा को लेके कुमॉन क्लास के लिए गए हैं और केयूष बहुत ज़्यादा थक गया था तो मैंने उसको थोड़ा सुला दिया है, नहीं तो वो क्रैंकी हो जाता, केक कटिंग भी नहीं करता, और केक साथ में बनवाया और फिर शुरू हो गया कि नहीं मुझे वेट करना है कि केक बनेगा और फिर मैं टेस्ट करूँगा।
और यशा के क्लास के जस्ट अपोजिट में ही ना पिज़्ज़ा हट है, तो मैंने बोला कि चलो बर्थडे है, मैंने कुछ स्पेशल तो नहीं बनाया, तो पिज़्ज़ा ही लेके आ जाओ। हम वैसे भी रेगुलरली उतना पिज़्ज़ा तो खाते नहीं है, तो ऐसे स्पेशल डेज पे ही पिज़्ज़ा आता है, तो बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं, यशा भी खुश हो गई कि ये पिज़्ज़ा खाएंगे, पापा के बर्थडे है। और मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, 1 वीक से इतना हेक्टिक चल रहा है सब कुछ, और अभी दिवाली आनी ही है। और हमारे पास बर्थडे कैंडल नहीं है तो दिवाली कैंडल जलाती है। यही होता है दिवाली के साथ, जब बर्थडे होता है तो यही होता है। ब्लो करो ब्लो करो ब्लो करो। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Wait, Kyush. That's my slice. अच्छा डैडी को खिलाओ पहले। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा अब डैडी को भी खिलाओ। बढ़िया है, बढ़िया है। Yes, it was better than last. I just smelled it. You made it? No, I smelled it. You smell it? Yes, I smell it exactly that. तो पिज़्ज़ा का प्लान हो गया है कैंसिल, हम घर पे तो कुछ बना रहे नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ गए हुए हैं वहीं जाएंगे या फिर कोई नया ढूंढेंगे। और यहाँ पे ना डिलीवरी अगर करवाओ तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो नो पॉइंट जब पिकअप करने जाना है तो सारे के सारे चलो और निपटा के आओ। चलो भाई बर्थडे बॉय फोन आप ही का होगा। आज हम एक नया रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, छोटा सा रेस्टोरेंट है, हम हमेशा देखते थे बट कभी आए नहीं। 3-4 रेस्टोरेंट्स हम इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई कर चुके हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ का, थोड़ा चेंज ही हो जाएगा। I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. घर आ गए हम, हो गया डिनर, खाना अच्छा था बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी और एक्सपेंसिव भी था। वो तो हम इतना सारा केक वेक खा के गए थे और वेजिटेरियन फूड था तो हो गया इस क्वांटिटी में, बट अगर चिकन हो और बहुत ज़्यादा भूख लगी हो फिर तो इस क्वांटिटी में नहीं होने वाला है। बट हाँ, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। दूसरे रेस्टोरेंट्स में जाओ ना तो लगता है कि मसाला मसाला खा रहे हो बस, यहाँ पे मसाला भी था और फूड का भी स्वाद आ रहा था। और कैंडी मिला था वहां से, लास्ट में कैंडी दिया था, बैठ के कैंडी खा रहा है, वो जेम्स जैसा होता है ना जो वो खा रहा है। तो पापा कैसा लगा खाना? यस गुड, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलो बर्थडे बॉय को अच्छा लगा तो गुड है ना। चलो भाई जल्दी जल्दी थम्स अप दे दो और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय 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 केयूष, बाय। ऐसे खा रहे रात को, बिजी है ये बॉय। निन्नी आया, मुझे भी बहुत ज्यादा निन्नी आया, और कल यशा के उस दोनों का स्कूल नहीं है, ये पी मैं आराम से उठने वाली हूँ, डैडी का ऑफिस है।